मतलब ये नाला ऐसे भर जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है नाले की वजह से। बच्चे भी नहीं खेल सकते, बच्चे जाते हैं उसी में जाते हैं पानी में, बच्चे भी गिर जाते होंगे। वो तो है ही, बच्चे तो गिरी जाते नाला। अभी उस दिन मेरा इतना बड़ा बेटा है जाके उसी में गिरा पड़ा था। कहाँ पे ये मतलब ये बन चुके हैं ना कि इसी पे मकान बना लिए बीच बीच में, और फिर ये जो है जो भी मलबा होता है जब नाला ढका रहेगा तो पानी निकलेगा उसमें। अब ऐसे इसमें पानी भी जा रहा है और कचरा भी जा रहा है खुला है, तो फिर वो आगे जाके जम जाता है, फिर पानी निकल जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से आते होंगे ना नालियों के लिए, तो बोल रहे हैं कि वो आते हैं नालियों के लिए गवर्नमेंट के कुछ तो आते हैं। जब हम लोग आते हो जाते हैं एकदम परेशान हो जाते हैं तब आते हैं, ऐसे तो आएंगे नहीं। जब बरसात होती ना तो वहाँ से पानी ब्लॉक हो जाता है, वहाँ का ना आपकी लास्ट वहाँ पे तो जाके रुक जाता है। हाँ जी वहाँ तो वहाँ का पानी होगा, ये सारी ब्लॉक हो जाती है, सब घरों में पानी घुसता है। सरकार यही करती है कहा झुग्गी झोपड़ियों को हटाओ यहाँ से, गरीब आदमियों को भगाओ, और क्या करेगी फिर सरकार? उनकी तो नहीं करेगी, अंदर भी आपका ही है। नहीं अंदर नहीं, अंदर बस मैं नाली करता हूँ। नाली करते हैं नाली, उसके बाद ये रोड है मेरा। अच्छा अच्छा, पूरा रोड वहाँ से तुलाराम के यहाँ से। अच्छा, अंदर की सफाई करने कौन आता है फिर? अंदर की नाली करते हैं, वो गली छोटी छोटी है, गली छोटी छोटी है, उसके अंदर नाली होती है, उसमें झाड़ू चलेगी नहीं, झाड़ू मिलता है काफ़ी बड़ा होता है, झाड़ू भी चल सकती है, इसलिए हम नाली करते हैं। तो आप डेली हम डालेंगे, गाड़ी आएगी उठा के भाग लेते। गाड़ी डेली आती है या वीकली आती है? नहीं तीन दिनों बाद, तीन दिन यही पड़ा रहता है, तीन दिन यहाँ पड़ा रहता है, इसको इकट्ठा मैं करता हूँ, तीन दिन बाद गाड़ी बुलवाता हूँ, फिर गाड़ी जाती है। मुँह देखे देखकर टीका करते हैं यहाँ पर, यहाँ सारे आपको बनते हैं नेता हैं। यहाँ हमारे यहाँ की लेडीज़ों में थोड़ी कमी है कि अपने घरों में तो सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बाथरूम में आके ऐसे बन जाते हैं बिल्कुल गंद, यहाँ डालना वहाँ डालना, आखिर को आदमी काम करेगा तो कितना गंद लगता है। अच्छा तुम लोग खाना खाने से पहले क्या करते हो, हाथ धुलते हो कि रोज धुलते हो? टीचर बनोगे फिर घर की सफाई रखोगे ना, सारे आसपास की गंदगी नहीं करोगे ना, कोई भी नहीं करेगा ना गंदगी।